हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपका अपना चैनल शेफ मिंटू किचन पर। मैं हूं शेफ मिंटू। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कॉर्न टिक्की। दोस्तों, आलू कॉर्न टिक्की कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। आलू कॉर्न टिक्की बनाने के लिए दोस्तों हमने लिए है कॉर्न। कॉर्न को हमने दरदरा पीस लिया है। आप चाहे तो मैशर से मैश कर सकते हैं। और साथ में हमें चाहिए और कुछ मिजा, उसको आपको दिखाते हैं। हमने लिया है जिंजर चॉप, ग्रीन चिल्ली चॉप, और हमने लिया है तीनों कैप्सिकम छोटा छोटा काट के। साथ में लिया है धनिया चॉप, साथ में लिया है एक बॉयल आलू को कद्दूकस करके। आया अभी प्रोसीजर दिखाते हैं। नॉन स्टिक पैन लिया दोस्तों, इसमें हमने एक टेबल स्पून घी डाल दिया है। साथ में हमने डाल दिया है 1/4 टीस्पून जीरा होल। जीरा को हम चटकने देंगे, जीरा चटक जाएगा तो उसके बाद हम डालेंगे कॉर्न को। पैन में कॉर्न को डाल देंगे दोस्तों। कॉर्न को इसलिए हम थोड़ा भूनेंगे क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जो पानी है वो पानी को हमें सुखाना है, नहीं तो हमारा मिक्सर गीला हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए हम इसको सुखा लेते हैं। ऐसे भूनेंगे दोस्तों, जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल है उतना आप पानी सुखा लें तो आपका जो मिक्सर बनेगा बाद में वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। दोस्तों हमारे पानी सूख गया है, अभी हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा होने के लिए रख देंगे 7 से 10 मिनट तक। दोस्तों हमारा कॉर्न ठंडा हो चुका है। अभी हमने ले लिया एक बॉल, बॉल के अंदर हमने डाल दिया कॉर्न को। अभी हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून जिंजर चॉप, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली चॉप। अभी हम डालेंगे तीनों कैप्सिकम 1-1 टेबल स्पून करके। अभी डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर चॉप 1 टेबल स्पून। साथ में हम लेंगे बॉयल आलू 300 ग्राम जो हमने कद्दूकस करके लिया था। अभी हम मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून जावित्री इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट स्वाद अनुसार, ब्रेड क्रम डालेंगे दोस्तों 6 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर डालेंगे 3 टेबल स्पून। अभी हम अच्छा से मिला लेंगे, अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं जैसे मिला रहा हूँ अभी ऐसे अच्छा से मिला ले। जो मसाला और मिक्सचर है, जो भी इंग्रेडिएंट हमने डाला है, अच्छा से मिक्स होना चाहिए। वही सबसे आप अच्छा से मिक्स कर ले। अभी हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है। अभी साथ साइड कर लेंगे हम मसाले को और एक एक करके बॉल बना लेंगे मीडियम साइज में। ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, ज़्यादा छोटा ना बनाएं, मीडियम साइज का बना लेंगे। हमारा सारे बॉल बन के तैयार हो चुका है। अभी दोस्तों हमें एक परात ले लिया है। परात में हमने डाल दिया है ब्रेड क्रम, जो हम सादा वाला ब्रेड क्रम लिया है। आप चाहिए तो ब्रेड स्लाइस मिक्सी में घुमा के
क्रम निकाल सकते हैं। अभी हम एक एक बॉल लेंगे, उसको पैटी बनाएंगे और ब्रेड क्रम में क्रम करेंगे। तो हमारा एक पीस रेडी है, हमने एक प्लेट ले लिया है। अभी क्रम क्या हुआ, पैटी को उठा के रख लेंगे साइड में, हम पूरा क्रम कर लेंगे ऐसे ही। दोस्तों हमारा पूरा पैटी क्रम कर चुका हूँ, हमारा रेडी है फ्राई के लिए। अभी हमने एक पैन में डाल दिया है ऑयल मीडियम टू लो, यही हिसाब से आप गर्म करके रखें। उसके बाद एक एक करके सारे पैटीज को डाल दें दोस्तों, तब तक पकाए जब तक आपका पैटीज ब्राउन कलर ना हो, ज़्यादा हाई फ्लेम में ना रखें दोस्तों। हाई फ्लेम में रखने से आपका जो पैटीज है वो जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। अभी दोस्तों हमने सारे टिक्की को निकाल लेंगे, हमने सारे टिक्की को निकाल लिया, अभी हम प्लेटिंग करेंगे। दोस्तों हमारा प्लेट रेडी है, इसके ऊपर हम वन बाय वन ऐसे ही सजाएंगे। देखिए हमारे दोस्तों सजा लिया, देखिए दोस्तों कितना बढ़िया दिख रहा है। अभी हम धीरे धीरे प्लेट को घुमाएंगे, देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।